Hello students of class fourth. Today we are going to start our new topic of the same chapter. Our chapter name is the way the world looks. So, in this chapter, Hamnipara, things are look different from different angles. Okay. ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और सामने से कुछ और फ्रॉम फ्रंट फ्रॉम साइड फ्रॉम टॉप डिफरेंट दिखाई देती हैं एंड इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट बाउल्स कटोरे आप चाहें तो इन कटोरे को घर पे आपके घर पे भी होंगे आप इनको ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम टॉप फ्रॉम साइड फ्रॉम अपसाइड डाउन ओके okay, देखने का ऐसे ही डिफरेंट थिंग्स आपको इन डेली एवरी डे डेली लाइफ आपको अपने चारों ओर दिखाई देती होंगी आप उनको देखने का ट्राई कर सकते हैं कि वो कैसे दिखाई देती हैं सी लाइक दिस पेंसिल फ्रॉम टॉप टॉप से ऐसे दिखाई दे रही है फ्रॉम साइड फ्रॉम बॉटम ओके ऐसे ही डिफरेंट थिंग्स हैं यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स साइड से कैसे दिखाई दे रही है ओके सो नेक्स्ट एंड टूडेज टॉपिक इज स्माइल्स होम लेट्स स्टार्ट स्माइल्स होम अ अनेम एपेस्ट्रॉफी एस स्माइल का होम घर ऑन द ऑन पर द फोन स्माइल टोल्ड कहता श्रीजता नेम द रूट रास्ता टू को हिज उसके हाउस घर फ्रॉम से हर उसके हाउस उसके घर से ऑन द फ़ोन इस्माइल टोल्ट श्रीजाता द रूट और टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस फोन पे इस्माइल श्रीजाता को बताता है इस्माइल के घर का रास्ता फ्रॉम हर हाउस सुजाता श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर का रूट रास्ता बताता है द रूट मैप इज सोन हेयर द रूट मैप रास्ते का मैप नक्शा इज है सोन दिखाया हेयर यहाँ सो फोन पर जो उसने बताया रूट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रूट मैप शो कर रखा है रूट मैप सोन हेयर इस्माइल्स हाउस ये है इस्माइल का घर दिस येलो एंड दिस इज रूट दिस इज अ पार्क एंड

इस्माइल अपने घर से अगर श्रीजाता के घर जाना हो तो इन टू वेज से जा सकता है फर्स्ट फ्रॉम ब्रिज एंड सेकेंड फ्रॉम हेयर दिस यह इज है व्हाट क्या इस्माइल टोल्ड बताया श्रीजाता दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता यह वह है जो इस्माइल ने श्रीजाता को बताया हेयर नीचे जो गिवन है ये इस्माइल ने श्रीजाता को बताया फोन पर फ्रॉम से योर तुम्हारे हाउस घर रीच पहुंचना द मिल्क बूथ डेयरी एंड और देन तप टेक लेना ए एक लेफ्ट बाया टर्न मोर फ्रॉम से द देंड दूसरे क्रॉसिंग सी दिस क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को क्रॉसिंग वे रास्ता क्रॉसिंग रास्ता है ये टेक लेना ये एक राइट दाया टन मोड़ एंड और गो जाना ओवर ऊपर द ब्रिज पुलिया के ऊपर गो स्ट्रेट स्ट्रेट सीधे सीधा एंड और देन तब टेक लेना द फर्स्ट पहला राइट टर्न द फर्स्ट राइट टर्न पहला दाया मोड़ टर्न मोड़ना होता है सी राइट टर्न लेफ्ट टर्न राइट सो आफ्टर बात में अबाउट लगभग हंड्रेड मीटर्स यू तुम विल होगी सी देख ए एक बिग पार्क यू विल सी अग पार्क तुम एक बड़ा पार्क देखोगी आफ्टर हंड्रेड मीटर्स जब अपने घर से ऐसे आओगी उसने कैसे बताया फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्टन अपने घर से जब तुम आओगी मेरे घर तो अपने घर से जब तुम मिल्क बूथ में पहुंचोगी तब तुम क्या करना टेक अ लेफ्ट टर्न यहाँ से आ रही है तो अब लेफ्ट टर्न लेगी लेफ्ट टर्न लेना देन फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग दिस इज फर्स्ट क्रॉसिंग एंड दिस इज सेकेंड क्रॉसिंग सो फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग सेकेंड क्रॉसिंग से क्या करना है फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न देन राइट टर्न लेना एंड गो ओवर द ब्रिज ब्रिज के ऊपर से जाना गो स्ट्रेट एंड देन स्ट्रेट जाना है देन टेक द फर्स्ट राइट फिर यहाँ से फर्स्ट राइट right लेना है पहला राइट टर्न आफ्टर अबाउट हंड्रेड मीटर्स इसके हंड्रेड मीटर्स के बाद तुम्हें एक पार्क तुम एक पार्क देखोगी बिग पार्क बड़ा पार्क वैन जब यू तुम क्रॉस पार पार्क यू तुम विल होगी कम आ टू को एक साइड लेन लेन गली वेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन जब तुम पार्क को क्रॉस करोगी सो यू विल कम टू अ साइड लेन तब तुम एक साइड लेन पे आओगी एक सी दिस लेन गली है ये माई मेरा हाउस घर इज है फर्स्ट हाउस पहला घर इन मै डेट लेन उस लेन में माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन डेट लेन उस लेन में फर्स्ट में जो घर आता है वही मेरा घर है मेरा घर फर्स्ट में आ जाता है उसी लेन में से दिस इज इस्माइल हाउस डिट देर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिट इस्माइल गो क्या स्माइल गो गया रोंग समेयर क्या स्माइल कहीं पर गलत गया उसने कहीं पर गलत बताया उसे कैन यू क्या तुम सकते करेक्ट सही हिम उसे कैन यू करेक्ट हिम क्या तुम उसे सही कर सकते हो सो कैन यू गैस उसने कहीं पर गलत बताया उसे येस ही वॉज रोंग ओके सो राइट हीयर येस वॉज रॉन्ग वेर यहां तक तो ठीक था बट जब वो यहां से गई उसने बोला टर्न सो सिमिलरली यहां भी है तो उसे क्या करना चाहिए था इस्माइल वेंट रॉन्ग आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज ही शुड हैव टोल्ड रिजाता टू टेक फर्स्ट लेफ्ट इंस्टीड ऑफ राइट उसने कह दिया कि राइट लेना राइट के बजाय उसे कहना चाहिए था टेक लेफ्ट टर्न ओके सो हेयर ही वॉज गो रॉन्ग आफ्टर द ब्रीज कैन यू करेक्ट हिम यस वी कैन करेक्ट हिम यस ही वॉज रॉंग, एंड वेयर स ही वेंट रॉन्ग आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो रॉन्ग था उसने कहना चाहिए था ही शुड टोल्ड ही शुड हैव टोल्ड स्रीजाता टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न इंस्टेड ऑफ राइट ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे आफ्टर दिस ही शुड टोल्ड टेक लेफ्ट टर्न इंस्ट्रीट ऑफ राइट टर्न मुड़ने की बजाय बाएं मुड़ने को कहना चाहिए था नेक्स्ट सो वेयर सो दिखाओ वेयर कहाँ श्री जाता विल रीच पहुंची होगी इफ यदि टेक्स लेती द रूट ही हर वो रास्ता जो उसने उसके फ्रेंड स्मेल ने बताया था हर सो so, मैं सो so करना है वेयर श्रीजाता विल रीच कहाँ पहुंचती अगर वो राइट लेती तो दिस विज लेफ्ट सो राइट दैट मींस रिजाता विल रीच इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इसमाइल्स हाउस तो उसके घर के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाती और बाई मिस्टेकली किसी और हाउस में चली जाती सो राइट हीयर शी विल रीच इन द अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट इसके ठीक विपरीत ओके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस इसमाइल के हाउस से अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती नेक्स्ट दिस इज एच आई एस हिज राइट लिखो द डायरेक्शन डिजाइ फॉर के लिए गोइंग जाने फ्रॉम से स्माइल्स हाउस स्माइल के घर से टू श्री जाताज हाउस डायरेक्शन लिखनी है फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए डायरेक्शन लिखनी है कैन यू टेल मी वट इज द डायरेक्शन ओके द रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज और द रिक्वायर्ड डायरेक्शन आर उसे क्या करना है डायरेक्शन देना है बताना है दिशा निर्देश उसे डायरेक्शन देना है कि कहाँ इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए सो एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मेल्स हाउस फ्रॉम स्मेल्स हाउस इन द साइड लेन ये घर है और ये साइड लेन है सो इन द साइड लेन कम टू द मेन रोड साइड लेन में से मेन रोड में आएंगे क्रॉस द पार्क पार्क को क्रॉस करना है एंड

this is second crossing then take left turn from the second crossing take a right turn and now ab kya karenge turn 2 after bridge this one is first crossing this one is second so from the यहाँ से स्ट्रीट जाना है then second crossing के बाद यहाँ से क्या करना है अब take right turn

From his house, his smell from his house, take first right turn next. राइट टर्न आफ्टर राइट टर्न गो ओवर द ब्रिज को स्ट्रेट ओवर द ब्रिज सीधे जाना है ब्रिज के ऊपर से एंड टेक लेफ्ट टर्न न ब्रिज के बाद लेफ्ट टर्न गो स्ट्रेट देन आफ्टर सेकेंड क्रॉसिंग सेकेंड क्रॉसिंग के बाद इस थर्ड वाले क्रॉसिंग से क्या करना है राइट लेना है लास्ट वन टू थ्री सो फ्रॉम दिस थर्ड क्रॉसिंग थर्ड क्रॉसिंग से राइट टर्न लेना है नॉट सेकेंड So from the take, take a right turn from the sec, third crossing. ओके नाउ वी विल रीच इन श्रीजाताज हाउस नेक्स्ट गिबली एंड द बिग बॉक्स गिब्लीअ नेम एंड द बिग बड़ा बॉक्स टिब्बा सीन दिस पिक्चर गिबली एंड द बिग बॉक्स डू यू क्या तुम्हें रिमेंबर याद है गिबली द आंट ची टी इन मैथ द मैथमैजिक बुक थ्री क्लास थर्ड की मैथमैजिक बुक में आंट थी जिसका नेम था गिबली सो डू यू रिमेंबर इफ यस सो राइट ईयर यस अगर याद नहीं है सो ट्राई टू रिमेंबर याद करने की कोशिश करो थर्ड क्लास में मैथमेजिक बुक में लास्ट ईयर आपने थर्ड क्लास मैथमेजिक बुक में पढ़ा होगा गिबली अबाउट गिबली द आंट वेल वन डे एक दिन गिबली सॉ गिबली ने देखा ए एक बिग बॉक्स बड़ा बॉक्स डिब्बा ऑन पर हर वे उसके रास्ते में इट लुक्ड लाइक दिस इट यह लुक्ड दिखता लाइक तरह दिस इस तरह से दिस यह वेल चलो ठीक है वन डे गिबली सॉ अगर आपको याद नहीं है तो बता रहे हैं एक दिन गिबली ने एक बड़ा बॉक्स देखा अपने रास्ते में जो इस तरह से दिखता था बड़ा बॉक्स है गिबली मूड मूड पार एंड और टंट मुड़ना लेफ्ट बाय नाउ अब सी कुड सी सी देखना सी सी व देख सकती थी द अदर दूसरा फेस ऑफ द बिग बॉक्स इस बॉक्स का दूसरा फेस Moved across, आगे को गई और उसके बाद वो तो टर्न लेफ्ट लेफ्ट टर्न हुई तो उसको उसका, उस बॉक्स का दूसरा नेक्स्ट फेस अदर फेस दिखाई दिया जिसपे लिखा था फाइव गिबली वॉज कंफ्यूज गिबली वॉज थी कन्फ्यूज गिबली वॉज कन्फ्यूज वॉज असमंजस में थी कि ये क्या हो रहा है ये क्या है फोर फाइव या वो आगे को बढ़ी तो फिर से एक फेस दिख गया वट क्या वज था दिस बॉक्स यह बॉक्स वट वॉज दिस बॉक्स यह बॉक्स क्या था सी वह क्लाइम्ड ऑन क्लाइम चढ़ी ऑन पर एक कप एंड ट्राइड कोसेस टू सी देखने को फ्रॉम से देयर वहां से द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस बॉक्स वह डिब्बा लुक दिखाई लाइक दिस इस तरह से गिबली बस कंफ्यूज थी ट्राई करने लगी वहां से उसको देखने की बॉक्स को तो बॉक्स इस तरह से दिखाई देता वन फोर फाइव कैन यू क्या तुम गैस अंदाजा वट क्या डेट यह बॉक्स वह बॉक्स डिब्बा लाइक तरह थिंग चीज वॉज था कैन यू गैस डेट बॉक्स लाइक थिंग वॉज क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो गैस कर सकते हो कि वो बॉक्स किस चीज की तरह था कैन यू गैस आफ्टर सींग दिस यस दिस इज लुक्स लाइक अ डाइस सो राइट हियर यस इट वॉज अ डाइस डाइस पासा लूडो खेलते होंगे आप डाइस उस पर होता है इट वॉज अ डाइस द नंबर संख्याए ऑन पर द अपोजिट दूसरी और या विपरीत फेसेस ऑफ का दिस बॉक्स इस बॉक्स का एड अप टू सेवन Numbers, संख्याएं ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू सेवन इस बॉक्स के अपोजिट फेसेस में नंबर्स थे एड अप टू सेवन तक ऐड किए थे विच नंबर कौन सा नंबर वर्स था ऑन पर द अपोजिट साइड ऑफ फाइव फाइव के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर था सो so, अगर आपने कभी डाइस अच्छे से देखा होगा ठीक से तो आपने ये नोटिस किया होगा अदरवाइज अब आप नोटिस करना वन के ठीक अपोजिट साइड सिक्स होता है तो उन दोनों को ऐड करके आता है सेवन तो नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ अप दिस बॉक्स ऐड अप टू सेवन अप टू अपोजिट फेसेस के नंबर्स को ऐड करें तो सेवन आता है सिमिलरली फोर के अपोजिट में होता है थ्री उन दोनों को ऐड करेंगे अगेन सेवन फाइव के अपोजिट में होता है टू सो फाइव प्लस टू इज अगेन सेवन सो so, पूछ रहे हैं विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ फाइव फाइव के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा क्योंकि दोनों को ऐड करके सेवन आता है सो डेट मींस टू इज सेवन सो राइट टू और अदरवाइज आप इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं सिंस टू अपोजिट फेसेस के नंबर को ऐड करके टोटल सेवन आ रहा है और उसका वन फेस में लिखा है फाइव सो सेवन माइनस फाइव इज आफ्टर फाइव से After five, six, seven. Seven में से फाइव माइनस करेंगे तो क्या आएगा इन द पिक्चर तस्वीर विच कौन सा नंबर संख्या विल बी होगा एट पर द बॉटम तले पर या नीचे एट द बॉटम इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम पिक्चर में इस डाइस के बॉटम पे कौन सा नंबर होगा वन के जस्ट अपोजिट होता है सिक्स राइट हियर सिक्स और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं सेवन माइनस वन क्योंकि सो सेवन माइनस वन इज सिक्स ओके सिक्स इज द आंसर विच नंबर कौन सा नंबर विल होगा गिबली सी देख इफ यदि सी वह अगेन दोबारा टर्न्स मुड़ेगी लेफ्ट बाएं फ्रॉम फाइव फाइव से विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम फाइव बली कौन सा नंबर देखेगी अगर वो फाइव से अगेन लेफ्ट टर्न करेगी तो सो फ्रॉम हेयर लेफ्ट टर्न करेगी तो यहाँ जाएगी डेट मीन सी ऑन टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम फाइव गिबली विल सी नंबर वन सो राइट हेयर नंबर वन नंबर इन्हें भी आप नंबर टू नंबर सिक्स ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट व्हाट व्हाट विल विल दिस दिस क्या होगा यह बॉक्स लुक लाइक लाइक तरह लुक दिखता इफ यदि यू ओपनड आप खोलेंगे इट इ से ऊपर मार्क निशान द करेक्ट पिक्चर सही पिक्चर तस्वीर पर मार्क करना है वट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप अगर आप इसे ऊपर उप, से ओपन करेंगे तो ये बॉक्स इनमें से in, out of these four pictures, इन आउट ऑफ दीज फोर पिक्चर्स इनमें से किसकी तरह दिखेगा लुक लाइक सो मार्क द करेक्ट पिक्चर करेक्ट पिक्चर पर आपको मार्क करना है सी टॉप में है वन एंड टॉप की बॉटम वन के अपोजिट साइड होगा सिक्स वन यहाँ है सिक्स आफ्टर वन फोर एंड हेयर फाइव सो फोर एंड हेयर फाइव एंड फाइव के जस्ट अपोजिट होता है टू फाइव के अपोजिट में है टू एंड फोर के अपोजिट में थ्री सो दिस वन इज़ करेक्ट दिस पिक्चर इज करेक्ट मार्क्ड अ टिक मार्क दिस इज रॉन्ग बिकॉज वन के अपोजिट में सिक्स होना है बट हेयर सिक्स यहाँ है एंड अगेन ऑल आर रोंग एक्सेप्ट ए सो ऑप्शन इज करेक्ट ट्राई कोशिश इट इस आउट ट्राई इट आउट इसको बनाने की कोशिश करनी है ड्रॉ बनाना ए एक सेप आकार लाइक दर दिस ऑन पर ए एक थिक पेपर थिक पेपर पे क्या करना है ड्रॉ करना है ए सेप कट इट इसे काटना है थिक मोटे पेपर पर और कार्डबोर्ड पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कट इट इसे काटना है कट इट आउट एंड और कलर द डिफरेंट विभिन्न फेसेस इन में डिफरेंट कलर्स और आपने इसके डिफरेंट फेसेस पर डिफरेंट कलर करने हैं फेस ओके फलक ये जो साइड्स हैं इसके इन पर क्या कर देंगे अब हम इसके जैसे लिखा वन फोर सिक्स फाइव टू थ्री तो इन पर डिफरेंट फेसेस पर हमने कलर कर देना है कैन यू यूज यू आप यूज प्रयोग दिस यह बॉक्स टू प्ले अ गेम क्या आप इस बॉक्स का यूज कर सकते हैं गेम खेलने के लिए प्ले खेलना अ गेम एक खेल गेम खेलने के लिए इस बॉक्स का यूज कर सकते हैं यस yes, हम इसे ऐसे बनाने के बाद इसको स्टिक कर देंगे तो ये डाइस बन जाएगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं सो so आप यहाँ पर कार्डबोर्ड और थिक पेपर यूज कर सकते हैं और राइट लेट्स ट्राई इट सी फ्रॉम मैथ्स पेपर इफ़ यू हैव एन ओल्ड कॉपी ओल्ड नोटबुक तो आप उससे कट कर सकते हैं इसमें ऑलरेडी बॉक्सेस बने हुए हैं अदरवाइज अगर आप किसी प्लेन पेपर को कट करेंगे तो उसमें बॉक्स बनाएंगे सिक्स बॉक्स ड्रॉ करने हैं वन टू थ्री फोर फोर बॉक्सेस इन अ कॉलम एक वर्टिकल लाइन पे वन टू थ्री बॉक्स एंड वन टू थ्री वन कॉलम एंड वन रो वर्टिकल एंड हॉरीजोंटल सो हॉरीजोंटली वन टू थ्री बॉक्स बनाने हैं और वर्टिकली वन टू थ्री फोर टोटल सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो राइट वन जैसे इस पर लिखा हुआ है वन सिक्स फोर 5 2 3. All right. now, save draw kar diya. now can you use this box to play a game? पे पेपर लिया है मैंने आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं और थिक पेपर और क्राफ्ट पेपर एनी पेपर नाउ से टर्न करना है यार अगेन फोल्ड इट सी so आप इन्हें साइड से स्टिक कर देंगे तो अब ये एक डाइस की तरह दिख रहा है इसमें ऑल यू कैन सी ऑल फेसेस सिक्स जस्ट अपोजिट है वन एंड फाइव के अपोजिट में है टू थ्री के अपोजिट में है फोर ओके आप ऐसे बड़ा लेकर के एक डाइस बनाएंगे दिस इज योर होमवर्क एंड इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और राइट एंड वन मोर एक्टिविटी ट्राई टू सी बाउल्स फ्राम साइड टॉप और फ्रंट और ऐसे अदर दूसरी थिंग्स भी आप देख सकते हैं देख सकते हैं एंड दिस डाइस बनाना है ओके सो य चैप्टर इज़ फिनिश